दोस्तों तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया नाम की एक साइंस फिक्शन मूवी आई है थिएटर में, जिसका नाम भी बहुत लंबा है और इंतजार भी। स्टारिंग शाहिद कपूर, डिंपल कपाड़िया एंड कृति शरण इन लीड रोल। मैंने देखा रात 9 बजे वाला शो और थिएटर में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी भाई। हालांकि यह फिल्म कपल्स को टारगेट जरूर करेगी। एनीवे, तो कैसी है ये मूवी, आइए बात करते हैं। क्या ये मूवी आपको एंटरटेन करती है और क्या इस मूवी के लिए थिएटर में जाना वर्थ है भी या नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। दोस्तों मूवी को डायरेक्ट किया है अमित जोशी ने, जिसका बजट 75 करोड़ के आसपास है। बात करें स्टोरी लाइन की, दोस्तों बिना स्पॉइलर के बस यही कहूंगा कि कहानी है आर्यन नाम के किरदार की, जो एक रोबोटिक इंजीनियर है, एक्चुअली प्रोग्रामर है, और उसकी फैमिली उसकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है भाई। बार बार उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं लेकिन वो शादी करना ही नहीं चाहता है क्योंकि उसको कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। फिर वो किसी काम से अमेरिका चला जाता है और वहाँ पर उसको शिफ्रा एज ए कृति सनन से प्यार हो जाता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसको यह पता चलता है कि ये लड़की एक रोबोट है। लेकिन भाई वो इस प्यार को सीरियसली लेता है और वो इस रोबोट से शादी करने का फैसला भी कर लेता है। तो आखिरकार कहानी में आगे क्या होगा और आर्यन ने ये फैसला क्यों लिया और इसके लिए कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आएंगे, ये सब कुछ आपको मूवी में देखने को मिलेगा, जिसकी लेंथ वेरी करती है 2 घंटे 12 मिनट के आसपास। इन द मेन टाइम अगर इस मूवी का रिव्यू मुझे एक लाइन में करना हो तो बस मैं यही कहूँगा कि देखो भाई, यह एक ठीक ठाक सी मूवी है जिसका प्लॉट एकदम नया है, तो इस मूवी को एक बार देखा जा सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों शाहिद कपूर ने काम अच्छा किया है इस मूवी में, और इस मूवी में नहीं भाई, वो अपनी हर मूवी में काम अच्छा ही करते हैं, चाहे फर्जी जैसी वेब सीरीज हो या फिर ब्लडी डैडी जैसी मूवी, सब में उनकी परफॉर्मेंस एक नंबर होती है भाई साहब। और इस मूवी में उन्होंने कमबैक किया है अपने चॉकलेटी अवतार में, उनके एक्सप्रेशन, डायलॉग्स और डांस मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे थे, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और दोस्तों इस मूवी में कृति सनन का काम मुझे काफ़ी पसंद आया है, उसने एक रोबोटिक गर्ल का रोल प्ले किया है जिसको उसने अच्छे से ऑब्जर्व किया है, इस रोल में वो अच्छे तरीके से फिट भी हो रही थी, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और दोस्तों इस मूवी में जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट दिखाई गई है ना, उनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा था, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज ये मूवी बहुत अच्छी है, जो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की तो दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका प्लॉट, जो एकदम नया है, जहाँ पर बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक एक्शन मसाला फिल्में आ रही है और उनके बीच में एक ऐसे टॉपिक को लाना वाकई हिम्मत की बात है भाई। वैसे दोस्तों साउथ इंडस्ट्री में ये सब फिल्में पहले भी बन चुकी हैं। मैंने MY3 नाम का एक शो देखा था जिसका प्लॉट भी इस मूवी के जैसा ही था। एनीवे, मूवी रिलीज हुई है वैलेंटाइन वीक पर और इस चीज़ का मूवी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। यह मूवी कपल्स को जरूर पसंद आएगी, चाहे वह मूवी देखे या फिर नहीं। मूवी टेक्निकली भी वेल मेड है, मूवी में जो CGI और इफेक्ट्स हमें दिखाए गए हैं वो काफ़ी अच्छे लगे मुझे, यानी कि उतना ही दिखाया गया है जितनी ज़रूरत थी, फालतू बिल्कुल भी नहीं। मूवी में सॉन्ग्स ज़्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से 2 या 3 सॉन्ग्स होंगे, तो सॉन्ग्स से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और मूवी का BGM भी डिसेंट है। और दोस्तों इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है ना भाई साहब, उसने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया मुझे और उसकी ज़रूरत भी थी। मेकर्स ने ये साबित करने की कोशिश की है कि टेक्निक चाहे जो भी हो लेकिन रोबोट एक मशीन है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बात करें नेगेटिव की तो दोस्तों मूवी का स्क्रीन प्ले स्लो है, स्पेशली सेकेंड हाफ पे, जहाँ पर मूवी स्ट्रेच होती हुई भी दिख रही है, और इसके बीच में आप अपना मोबाइल निकाल कर इंस्टाग्राम रील भी इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर इस रोबोट का जो यूज हुआ है ना भाई, खाना बनाना, साफ सफाई करना और रोमांस करना, इसके ऊपर मेकर्स को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। और भी एक दो लूपहोल है मूवी में, बट उन सबको इग्नोर किया जा सकता है। अब बात आते हैं कि मूवी को क्यों देखें। दोस्तों बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप एक्शन मसाला फिल्मों से बोर हो चुके हो और आप कुछ नया देखना चाहते हो तो इस मूवी को एक मौका दिया जा सकता है। रही बात पैरेंटल गाइडलाइन की, मूवी फैमिली फ्रेंडली है, मूवी में कोई भी वल्गरिटी या न्यूड सीन नहीं दिखाया गया है। हाँ, एक दो किसिंग सीन है, अगर उनसे प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये मूवी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेंगे 3 out of 5 stars। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू शाहिद कपूर की इस मूवी के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।